बिहार के मुजफ्फरपुर में 34 लड़कियों के साथ दरिंदगी का मामला अब राजनीतिक तूल ले चुका है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मीडिया से बात की। नीतीश ने कहा कि हमने मामला सामने आने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपने को कहा और तुरंत सीबीआई ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट की निगरानी में जाँच हो। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच काफी तेजी से हो रही है। जो बयान दिया गया है वह सरकार का बयान था। ये कहना कि साहब चुप थे, ये कहना सही नहीं है। जब बयान दिया गया है तो वह सरकार का ही बयान है। बिहार सीएम ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये सिस्टम में खामी का ही नतीजा है। इसके लिए हमने बारीकी से जांच की है, पूरे सिस्टम को ही बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरी चुप्पी का गलत मतलब निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि एक एक फाइल को देखा जा रहा है, मुख्य सचिव के स्तर पर मामले को परखा दिया जा रहा है। हमारा अगला लक्ष्य है कि इस तरह के सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया जाए। अब गैर सरकारी संस्था को ऐसे कामों की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, अब सिर्फ सरकारी संगठन को ही ये दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी और लालू की पुरानी फोटो निकाली गई और कई तरह के सवाल उठाए गए। नीतीश ने कहा कि उनका बैकग्राउंड पत्रकारिता का था, तब हम कैसे ये तय कर सकते थे कि कौन कैसा है। उन्होंने कहा कि पूरी जांच हो रही है, चाहे मंत्री लेवल का ही मामला क्यों ना हो, पूरी जांच हो रही है। नीतीश ने इस दौरान विपक्ष के धरने प्रदर्शन पर हमला किया। नीतीश ने कहा कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन वहां पर ही हंस रहे थे, क्या उन्हें चिंताएं नहीं हैं? जो लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे उनमें कैसे लोग थे? जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं।